जन्मतः अभिप्रत ब्रह्मचर्यो ब्राह्मण स्याद इत्यादि विशेषणार्थ, क्योंकि स्मृतिकार ने ऐसे भी विशेषण दिया है, जन्मत ही जो अविप्लुत ब्रह्मचर्य आदि वाला है वो ब्राह्मण होता है। क्वचिच युधिष्ठिर प्रवृत्ति सम्यक राजानुपालिता आचार, यदि युधिष्ठिर प्रवृत्ति है वो क्षत्रिय है, कैसे निर्णय हो गया, उनके द्वारा सम्यक प्रकार से क्षत्रिय धर्म का अनुपालन करने से, विलीनं घृतं गंधेन च रसेन च, और पिघला हुआ घी को गंध व रस रसास्वादन से, तैलात भेदेन जायते तेल से अलग करके जाना जाता है, ये सब सविकल्प ज्ञानी सीधा होता है, इनका निर्विकल्प ज्ञान होता नहीं है। इति शेषः भाव लक्षण रही तो वा यदि पक्षम दूषयति। अब आगे का लक्षण खंड थे नवा जो नचन वाई थी अन्यत्र विधान है भावे भी भावाद अतिव्याप्ति ही, भाव लक्षण रहित रहित कर क्या करोगे, अन्य तो एक भाव से दूसरा भाव भी अन्य है तो उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगा। भाव लक्षण शब्द देना सर्व भाव लक्षण विधियते किंचित लक्षणम वा, भाव लक्षण शब्द का भी आप पूछेंगे सर्व भाव लक्षण या किंचित भाव लक्षण। द्वितीय प्रा द्वितीय पक्ष पहले खंडन किंच किंचित भावेति प्रथमेति भावानाम यानी सर्वाणी लक्षणानि तद अनधिकरणत्वं विवक्षितम्। प्रथम पक्ष ये पूछा जाए सर्वभाव में भी क्या है, भावानाम यानी सर्वाणी लक्षणानि जो भी लक्षण है, त्रिविक लक्षण अलग है, गुण का कर्म का सामान्य का विशेष का समवाय का, इन सकल भावों का लक्षण अलग अलग है, क्षयों का लक्षण, उन क्षयों के न होना सर्वाणी लक्षणानि तद अनधिकरणत्वं विवक्षितम्, या भाव लक्षणानाम ये सर्वे अभाव तद अधिकरणत्वं वा, अगर भाव लक्षणों का जो अभाव है प्रत्येक लक्षण का भाव ले लो, उन सकल अभावों का अधिकरण का नाम अभाव ऐसा कहोगे। आद्य प्रा सर्वभावे थी तो ये नहीं हो सकता, सर्वाक्षरित्व शब्द ने च सर्वभाव लक्षणत्व अनधिकरणत्व विवक्षायाम एकैकस्यापि भावः अस्य तत्त्वात् अतिव्याप्ति, मूल में कहा था सर्वभाव लक्षणत्वम् इति च भौरिहि सर्वभाव लक्षणवत्वम इति आवत्, एकैक भाव से सर्वभाव लक्षणवत्व भावात् कि प्रत्येक भाव जो है सकल भाव लक्षणों का अनधिकरण हो जाता है, क्योंकि सकल भाव लक्षणों में से किसी एक लक्षण का अधिकरण एक भाव होगा ना, जैसे द्रव्य है और सकल लक्षणों का अधिकरण थोड़ा है, एक लक्षण का अधिकरण है, गुण है वो भी अपने एक लक्षण है उसका अधिकरण बनेगा, इन सकल लक्षणों का अधिकरण बनेगा नहीं, एक सूत्र विद्यम नास्ति न्याय है। अतः एकैक भाव लक्षणा भाव अपि, इसे एक एक भाव लक्षण का भाव को लेकर के लोगे तो बहवो अतः तत्त लक्षणा भावांतर अधिकरणत्वात्, इसे क्या वो बहुत हो जाएंगे, मैंने नव हो जाएंगे, नव द्रव्य आप मानते हैं नहीं, नव नहीं षट भाव पदार्थ छः मानना पड़ेगा लक्षण आपको, और प्रत्येक को अलग अलग एक एक भाव लक्षण का अभाव मैंने छः अभाव हो जाएंगे, तो अपि बहवो अतः तत्त लक्षण अभावांतर अधिकरणत्वात् तद अभाव भावानामपि अस्तेव, तब तत्त लक्षण भावांतर अधिकरणत्वात् एक एक भाव लक्षण का भाव लक्षण जो है उन क्षयों का भाव अधिकरण नहीं हो सकता, कि क्षयों में से कोई न कोई एक लक्षण उस भाव में रहेगा ना, छह लक्षण में से कोई न कोई एक लक्षण एक भाव में तो रहेगा, उसका भाव तो नहीं आया, अरे क्षयों का भाव कैसे आएगा वहाँ, नहीं हो सकता। सर्वाभाव अधिकरणत्वम इति मदम तथापि न सर्वाभाव अधिकरणत्वम, सर्वभाव का अधिकरण हो नहीं सकता, स्वाधिकरणत्व भावादेव कि स्व अधिकरणत्व उसका भाव तो रहता ही है, अतः तत्तद अभाव विशेष अधिकरणत्वम लक्षण, तत्तद अभाव विशेष कोई अधिकरण मान लो विशेषों का अधिकरण कोई यहाँ पर लक्षण लीजिए, तरी तेषा में विशेषाणाम स्वाधिकरणत्व भावेन भावेन तेषामेव विशेषाणाम स्वाधिकरणत्व भावेन एकैक विशेष अधिकरणत्व विवक्षायाम इतरेषु लक्षण अनुगति स्यात्। यदि आप उसमें भी कहेंगे भाई तत्त्व भाव विशेषों का अधिकरण को लक्षण कहेंगे तो सब स्थिति क्या होगा, तेषाम विशेष जितने विशेष लक्षण हैं उन सब का स्व अधिकरणत्व भावेन स्व स्व का अधिकरणत्व भाव इतर इतर भी चला जाएगा, तो एक एक विशेष अधिकरणत्व विवक्षा, यदि प्रत्येक विशेषण विशेष अधिकरण विवक्षा करोगे इतरेषु लक्षण अनुगति साथ इतर में क्या होगा तब लक्षण की अनुगति हो जाएगी, एवं इतर विशेष विवक्षायाम और इतर विवक्षा करोगे इति अव्याप्तरित्या तो पाले वाले में दोष आ जाएगा, इत्याह अभ्युपगमे इत्यादि ना तेषु अभावान्तरभिगमे च अननुगम प्रसंग स्यात् अनुगम की प्रसक्ति हो जाएगी। किंचेदं भावत्वम ठीक है, भाव का अनधिकरण का नाम अभाव का है, उसे हमने खंडन कर दिया, अनधिकरण मिल नहीं सकता कोई भी चीज़, तो फिर भी हम पूछते हैं
जिसके अनधिकरण को आप अभाव कह रहे हो वह भाव का लक्षण क्या है पहले आपके मत में या अन्यों के मत से भी विचार करके देखा जाए। किंचित भावत्वम यद अनधिकरणत्वम अभाव किम अस्तित्व प्रत्यविषयत्वम नास्तित्व प्रत्यय अविषयत्वम वा प्रतियोगी अनपेक्ष निरूपणत्वम वा निर्विकल्प बुद्धि बोध्यत्वम वा षड लक्षण लक्षितत्वम वा षड लक्षण अन्यतम लक्षण लक्षितत्वम वा नाद्या छह बटाया अस्तित्यागर ज्ञान का विषय का नाम भाव है या नास्तित्यागर ज्ञान का अविषय का नाम भाव है या प्रतियोगी अनपेक्ष प्रतियोगी अपेक्षा बिना जो निरूपण किया जाए उसका नाम भाव कि प्रतियोगी सापेक्ष निरूपण होता है अभाव का यस्य अभाव स प्रतियोगी तो घटाभाव कहूँगा तो घट के निरूपण की अपेक्षा के अधीन है अभाव का निरूपण वैसे ही नहीं है। निर्विकल्प बुद्धि बोध्यत्व अथवा निर्विकल्प बुद्धि बोध्य हो उसे घटना भी जाती है लेकर खंडन हो जाएगा दोबारा और षड लक्षण लक्षित छह लक्षणों से लक्षित कोई भी भाव पदार्थ नहीं होगा कि छह लक्षण किसी एक में घटेगा क्या एक में एक ही का लक्षण करता है अन्य का अन्य लक्षण तो घटेगा नहीं। षड लक्षण अन्यतम कह दो फिर अरे अन्यतमत्व की व्याख्या नहीं हो सकती पूर्व में खंडन हो चुका अन्यतमत्व का अर्थ क्या करोगे तेजा अन्य 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 अन्यतमत्व कहना पड़ेगा उनमें से एक उनमें से मेरे कौन सा अनिर्णय हो जाता है आपके अपने मर्जी से थोड़ा लेंगे कोई भी हम बता सकते उनमें से एक तो अपने कहा हमने गुण का लक्षण उठाएंगे द्रव्य में घटाने की कोशिश करेंगे तो घटेगा क्या नहीं घटेगा इसे अन्यतमत्व तो असंभव है नाद्य घटस्य अभाव अस्तिति अस्थि प्रत्यविषयत्वेन अभाव अतिव्याप्त है घटस्य अभाव अस्थि कह रहे हैं आप वहां पर भी अस्थि प्रत्येक विषय अभाव हो गया अभाव का लक्षण चला गया अभाव में अद्वितीय भूतले घटो नास्ति इति प्रत्यविषयस्य अपि घटादेर भावत्वात् कि भूतले घटो नास्ति नास्ति इत्याकार प्रत्येक विषय कौन कौन है यहाँ भूतल भी है घट भी है और अभाव भी है यहाँ पर भी जो घट भी विषय बन रहा है नास्तित्य प्रत्येक अविषय होना चाहिए उसका नाम भाव है नास्तित्य प्रत्येक विषय हो गया घट है कि नहीं अविषय नहीं रहा विषय चला हो गया घटस्य अभाव अस्ति इति अस्ति प्रत्यविषयत्वेन अभाव अतिव्याप्ति न द्वितीय भूतले नास्तित्य प्रत्यविषयस्य घटादिर्भावत्वात् नास्तिक प्रत्येक अविषय होना चाहिए भाव यानी यहाँ नास्तिक प्रत्येक विषय ही हो गया भाव फिर अतिव्याप्ति हो गई इसीलिए लक्षण न तृतीय प्रतियोगी अपेक्ष निरूपणे ह्रस्व दीर्घत्वाद व्याप्त है प्रतियोगी अनपेक्ष निरूपण कह दो भाव का लक्षण प्रति अव्याप्ति हो जाएगा कि ह्रस्व दीर्घ क्या है प्रतियोगी सापेक्ष निरूपण होते हैं ये सब भाव पदार्थ है ह्रस्व भाव है दीर्घ भी भाव है न चतुर्थ निर्विकल्प बुद्धि है प्रागुर्दोपि घटादित भावात इतना ही नहीं न चौथ चतुर्थ चौथा कौन सा था निर्विकल्प बुद्धि बुद्धित्व निर्विकल्प बुद्धि है प्रागुर्दोपि घटादित भावात घटादित भाव पदार्थ मान रखता है निर्विकल्प बुद्धि से पहले भी घट है निर्विकल्प बुद्धि के बाद भी घट है केवल निर्विकल्प निर्विकल्प बुद्धि का विषय कहाँ रह गया फिर मैं निर्विकल्प ज्ञान का विषय होने का मतलब यावत ज्ञान पर तावत का अर्थ विषय होना चाहिए ज्ञान निवृत्त हुआ तो विषय निवृत्त हो जाए लेकिन ऐसा होता नहीं ये घट तो भाव पदार्थ पहले भी रहता है बाद में भी रहता है ज्ञान के बिना भी रहता कि नहीं रहता है इसे निर्गुण ज्ञान विषयत्व में जो लक्षण है उन सकल भाव पदार्थों में अव्याप्ति हो गया तद अत्यंत अभाव अनधिकरणत्व अत्यंत भाव एवं अतिव्याप्ति सत यदि कहोगे निर्विकल बुद्धि का जो विषय वहाँ तात्पर्य कहोगे तद अत्यंत अभाव अनधिकरणत्व तारस विषय के अत्यंत अभाव का अनधिकरणत्व ऐसा हो जाए दो लक्षण भाव में घट जाएगा कहते ऐसा तब भी नहीं होगा तद अत्यंत वो अनधिकरण तुम कहो दोगे जो अत्यंत भाव है ये अतिव्याप्ति से अत्यंत भाव में अतिव्यक्ति हो जाएगा कैसे होगा कि अत्यंत भाव का अनधिकरण स्वयं अत्यंत भाव है कि अत्यंत अधिकरण कौन होगा भूतलादि होगा ना अनधिकरण कौन हो जाएगा स्वयं अत्यंत भाव उसमें अतिव्याप्ति हो गई तथापि अत्यंत भावान्तरभ्युग में लक्षण से अनुगम यदि वहाँ भी कहोगे भाई अनधिकरण नहीं है वो भी अधिकरण नहीं बनेगा फिर तो कहें लक्षण ही अनुगम हो जाएगा कि एक अत्यंत भाव के ये दूसरे अत्यंत भाव दूसरे के तीसरे मानने लगोगे ये उसका अधिकरण है उसका अधिकरण है फिर तो अनवस्था दोष भी आ गया अनुगम हो जाएगा। न पंचम षड लक्षण लक्षित तत्व से प्रत्येकम द्रव्यादि शो अभाव अव्याप्त है षड लक्षणों से लक्षित प्रत्येक द्रव्यादि पदार्थों में नहीं जाएगा अव्याप्ति होगी अन्यतम कहो न षष्ट अन्यतम से प्राग्ञ निरसत्वात् अन्यतम को हम पूर्व में खंडन कर चुके हैं इस तरह से अभाव सामान्य का लक्षण खंडन हो गया भाव का भी खंडन हो गया अभाव का भी खंडन सामान्य लक्षण खंडन हो गया
अब प्राग अभाव यदि विशेष अभाव होंगे एक एक का खंडन करेंगे उनके लक्षण को उठाकर खंडन करेंगे। ठीक है। किंच भाव लक्षणानाम एव दुर्निरूपत्वात् तदाधीन निरूपणा भावोपि दुर्निरूपिति हृदय निधाय। भाव के लक्षण का ही आप निरूपण जब नहीं कर सकते उस भाव अधीन भाव रूपी पदार्थ अधीन निरूपण वाला जो अभाव रूप पदार्थ है उसका भी निरूपण नहीं कर सकते इस बात को हृदय में रख ध्यान में रखते विचार में रखते हुए भाव लक्षण अपिखंडयति भाव का जो सामान्य लक्षण है उसका विखंडन कर देते हैं। किंचेदमिति यद अनधिकरणत्वम् इति यद अनधिकरणत्वम् इत्यादि से किंचिदम भावत्वम् यद अनधिकरणत्वम् अभावः वो यद अनधिकरणत्वम् इति किंचेदमिति यद अनधिकरणत्वम् वाक्य को अवतरणिका में ले लिया। यद लक्षण अनधिकरणत्वम् इत्यर्थः जिसके लक्षण के अनधिकरण का नाम अभाव होता है वह भाव का लक्षण आप नहीं बना सकते। अस्यैव अनन्तर प्रकृतत्वात् क्योंकि उसी के बारे में अनंतर में आरंभ किया जा रहा है षड् लक्षण द्रव्यादीनाम षण्णाम यानि लक्षणानि तैर्लक्षितत्व चेत्यर्थ नास्ति प्रत्यावश्यकत्वमिति द्वितीय पक्ष अव्याप्ति मा भूतल घट इत्यादिना ननो निर्विकल्पक बुद्धि विषयत्वम नाम तद विषयत्व अत्यंता भाव अनधिकरणत्व विवक्षिता। निर्विकल्प बुद्धि विषयत्व का अर्थ है तद विषयत्व अत्यंता भाव का अनधिकरण हो जाना तेरा न प्रागुर्द प्रयुक्त अव्याप्ति प्रागुर्द में विद्यमान घट में अव्याप्ति दोष नहीं आएगा तत्रा तद अत्यंत योयम अत्यंत भाव लक्षण तो नभीत तस्मिन् एव स्व अनधिकरणे अतिव्याप्ति इत्यर्थः कि उसी में जो है स्व अनधिकरण होने के नाते उसमें अतिव्याप्ति हो जाएगी। उत्तर ग्रंथ अनंतर में कृतोपपादा आगे वह सतपूर्व में विचार होकर खंडन कर चुके हैं छह लक्षणों का ना होना न पंचमी षण्णाम यानि लक्षणानि न तैर एकैक लक्षितत्व इति अव्याप्ति इत्यर्थ छह जो लक्षण है उन छह लक्षणों के द्वारा प्रत्येक द्रव्य आदि पदार्थ का लक्षित किया जा रहा ऐसा नहीं होता इसलिए अव्याप्ति है। असुतरी श्रेष्ठ अनितम ले लो फिर तथा शिवादित्य मिश्रेण उत्तम उसी प्रकार शिवादित्य मिश्र ने भी कहा है अनितम तो घटित लक्षण तत्रह न षष्ठीति एवं भाव लक्षण अनुरूपणाद्यपि तन्मुखेन अभाव निरूपण न संभवति इसलिए भाव लक्षण का निरूपण नहीं हो सका तद्वारा अभाव का निरूपण करना भी संभव नहीं है। एवं भाव लक्षण अनुरूपणाद्यपि तन्मुखेन अभाव निरूपण न संभवति प्रकारांतर निरूपण प्रस्ताद निरस्ताम और प्रकारांतर निरूपण का बात तो पूर्व में खंडन कर चुके हैं। एवं अभाव मात्र लक्षण खंडित अभाव सामान्य लक्षण खंडन करने के बाद तद विशेष लक्षणों भी खंडयति प्रत्येक जो विशेष लक्षण बनाते हैं प्राग भाव प्रध्वंस भाव अत्यंत भाव अन्योन्य भाव इन चारों भावों के जो जो लक्षण हैं उन लक्षणों को भी खंडन करना शुरू करते हैं। कश्चन प्राग भाव ये प्राग भाव किसका नाम है बताइए विनाश्य भाव प्राग भाव लक्षण यदि करते हो तो गड़बड़ होगा इति चिन्ह मुझे विनाशी कर दिया विनाशित्व का अभाव का नाम प्राग अभाव अपने का विनाशी किसको कहेंगे कहे विनाशी शब्द है ना उत्पत्ति मद अभाव अभिधाने उत्पत्ति मद अभावत्व का नाम विनाशित्व उसका अभाव का नाम प्राग अभाव हो गया। ऐसे लक्षण से असंभवित्वाद ऐसा जो लक्षण करोगे वह असंभव दोषग्रस्त हो जाएगा कि नहीं प्राग अभाव से घट व्यतिरेकिन उत्पत्ति मान अन्यो अभाव निवृत्ति अन्य से अनुपलम्भात् कि घट से अलग प्राग अभाव का ध्वंस कुछ अलग नहीं है प्राग अभाव से घट व्यतिरेक उत्पत्तिमान अन्यो प्राग अभाव को आपने उत्पत्तिमद अभाव आपने कह दिया अर्थात क्या है उत्पत्तिमत्व अलग से आप देखना पड़ेगा घट से अलग प्राग अभाव का निवृत्ति रूपा कोई चीज उत्पत्ति हो रही वहां मैंने प्राग भाव निवृत्त हुआ तो घट बना है ना। आप कहेंगे प्राग अभाव का निवृत्त होना ही घट नहीं है निवृत्ति अलग है घट अलग है घट को प्राग अभाव का अभाव रूप नहीं मानते हैं उसका हम पूर्व पक्ष का प्राग अभाव का अभाव रूप में घट को नहीं मानता कि प्राग अभाव का अभाव अलग है घट अलग चीज है प्राग अभाव का ध्वंस हो गया तो घट उत्पन्न हो गया लेकिन प्राग ध्वंस रूप घट है ये मत कहो फिर उसका भी ध्वंस मानना पड़ जाएगा फिर आगे जब घट ध्वंस हुआ तो प्राग अभाव के ध्वंस का ध्वंस मानना पड़ेगा। अब इसका क्या होगा प्राग अभाव के ध्वंस का ध्वंस होने पुनः प्राग अभाव आ जाना क्या उनमें घट प्राग अभाव है जो टुकड़ों में कपाल के टुकड़े जो पड़े हैं घट को फोड़ने से उनमें घट प्राग अभाव कोई कहेगा कि ध्वंस का ध्वंस होने वापस वही मानते हैं आप तो प्राग अभाव के ध्वंस का ध्वंस कहीं से वापस प्राग अभाव आ जाना चाहिए इन वापस प्राग अभाव तो आता नहीं
इसीलिए आप इसको निवृत्ति जो प्राग भाव का निवृत्त होना मैंने ध्वंस होना अलग चीज मानिए और घट अलग चीज मानिए। प्राग भाव विनष्ट हो गया, नष्ट होना ही घट नहीं है। ये ध्वंसी घट है तो ध्वंस क्या है? अभाव रूप है। और घट क्या है? भाव रूप है। अभाव भाव रूप कैसे हो सकता है? इसलिए भी नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं ये नहीं प्राग बस घट व्यतिरेक उत्पत्ति मान। ये हम लोगों के दृष्टिकोण में क्या है? वेदांतिक दृष्टिकोण में प्राग भाव का निवृत्ति से अलग कोई घट व्यतिरेक से घट से अलग करके उत्पत्तिमान अन्योभाव उत्पत्तिमान कोई अन्य अभाव हमें नहीं दिखाई देता है जिसे निवृत्ति कहे अन्य से अनुपलम्बात, क्योंकि कोई अन्य की उपलब्धि ही नहीं होती है। कहा भी है कुमार भट्ट ने अपोहिय माने च भावे भाव एवावशिष्यते। प्राग भाव को हटा दो तो बचा क्या? घट रूप भाव ही बचता है। इति अभिगमाच्च यहाँ तक सिद्धांति। तब पूर्व पक्ष के जन अनिवृत्ति प्राग भावे घट जन्म ने एवं असंभवात। प्राग भाव का निवृत्त होना जरूरी है, केवल हटाने से नहीं होगा। अपोहिय माने मैंने प्राग भाव को हटा दो उतने से घट बन जाएगा। ये कुमार भट्ट ने कहा, वही आप कह रहे हैं, क्योंकि प्राग भाव का हटना ही घट का उत्पत्ति है, अलग कुछ हमें दिखता नहीं आप कह रहे हो। यानी ऐसा आप नहीं कह सकते कि प्राग भाव हटने मात्र से घट उत्पन्न नहीं होता, किंतु प्राग भाव का नष्ट होने पर ही घट उत्पन्न होता। ये उनका कहना है कि अनिवृत्ति प्राग भाव है, प्राग भाव निवृत्त नहीं होगा घट जन्म नहीं ये वासंभव, घट का जन्म ही नहीं हो सकता। इसे अन्य निवृत्ति रूपया ये घटोत्पत्ति से अलग कोई प्राग भाव का निवृत्ति नाम की चीज मानना पड़ेगा। तार्श निवृत्ति का प्रतियोग हो जाएगा, प्राग भाव सिद्ध हो जाएगा, अलग पदार्थ हमारी। न च वार्तिक वचन विरोध, कुमार भट्ट के वचन से विरोध हो जाएगा। कहते उन्होंने भाव एव जो कहा है ना, वो एव का अर्थ आप अत्यंत व्यवच्छेद का मत लो, वायु व्यवच्छेद कहता है। कोई वार्तिक विरोध क्यों नहीं होगा? क्यों निवृत्या प्राग भाव अपोहिय माने, ऐसा करके निवृत्ति नाम की चीज हम मानेंगे प्राग भाव का निवृत्ति। उसने क्या किया? प्राग भाव को हटाया अपोहिय माने, तब प्रतियोगी घटादि अवशेष थे, तब उसके जो प्राग भाव जो प्रतियोगी था वो घटादि अवशेष रह गया। एव अवशेष थे एव वहां जो इति अयोग व्यवच्छेद पर अयोग व्यवच्छेद करने के लिए ही वहां एवकार आया है। अन्यथा नहीं तो अभाव अपन्नव मात्रेण भावशेषे प्राग भाव समये प्रध्वंस से असंभवात्, प्रध्वंस समय च प्राग भाव से अभावात् भावावशेष प्रसज्यते चेत मैवा। नहीं तो समस्या खड़ा करता है, क्योंकि अभाव का अपन्नव मात्र से यदि भावशेष उपस्थित हो जाए कहोगे तो प्राग भाव के समय में प्रध्वंस नहीं है, प्रध्वंस से असंभवात्, और प्रध्वंस भाव के समय में प्राग भाव हो नहीं सकता। तो एक दूसरे अभाव के ना, फिर प्राग अभाव के समय में प्रध्वंस का नहीं हुआ उतने मार से घट उत्पन्न हो गया आप कह रहे हैं। प्राग भाव के समय में प्राग भाव को ध्वंस किए बिना, ध्वंस करने की जरूरत नहीं, हटाना ध्वंस करना दो अलग चीज है। घट को हटाओ घट को नष्ट करो, दो भिन्न अर्थ हो जाएगा ना। आप केवल हटाने की बात कर रहे हैं, नष्ट करने की बात नहीं कर रहे। ये अंतर है हमारे और आपने कहा था पूर्व पक्षी सिद्धांत जी मै वाम तदुक्तेन न्यायेन अनिवृत्ते प्राग अभावे तन्निवृत्तिरपि जन्म असंभवात्। तुम्हारे कहे के अनुसार हम चले हैं तो प्राग अभाव का अनिवृत्त होने पर जन्म नहीं होता कह रहे हो, मैं तुम्हारे ही न्याय के अनुसार मैं कहता हूँ प्राग का निवृत्त होने पर भी घट का जन्म नहीं हो सकता। जिस युक्ति से तुम्हें बात गा वही युक्ति तुम पर पलट रहे। युक्ति क्या है कि आपने प्राग अभाव यदि है तो ध्वंस नहीं हो सकता आपने कह दिया, और ध्वंस यदि है तो प्राग अभाव नहीं हो सकता आपने कह दिया। आप एक तरफ ये भी करें प्राग भाव का ध्वंस करो तो घट बनेगा, ये कैसे होगा कि प्राग भाव है ध्वंस तो हो नहीं सकता, फिर प्राग भाव ध्वंस कैसे करूंगा मैं? ये उस समय में मुझे ध्वंस करना पड़ेगा ना, मानता उस समय में मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, आप स्वीकार नहीं कर रहे। इसीलिए निवृत्त हो चाहे निवृत्त न हो दोनों ही दशा में जो है आपके अनुसार जो है घट की जन्म नहीं मानी जा सकेगी। तत्र तत्र निवृत्त्यंतर अभिगमे, तब ऐसे एक निवृत्ति दूसरी तीसरी निवृत्ति स्वीकार करोगे तो चानवस्था पातात अनवस्था की आपत्ति हो जाएगी। तस्माद उभयत्र अनुपत्ति साम्य अपि, इसे दोनों ही पक्ष में अनुपत्ति समान होने पर
घट एव स्वप्रभाव निवृत्ति अंगीकरणीय, घट ही स्वप्रभाव की निवृत्ति है, यह स्वीकार को करना पड़ेगा। और इसमें एक और लाभ है, कल्पना लाघवाच्च, कल्पना का लाघव भी, प्राग भाव का निवृत्ति घट ही है ये मानने अत्यंत लाघव है। नहीं तो घट से अलग प्राग भाव की निवृत्ति कुछ मानना चाहोगे, उसका स्वरूप क्या पूछूंगा आप, वो भी अभाव रूप कहोगे कि ध्वंसा भाव कहोगे, कौन से अभाव कहोगे, या भाव कहोगे तो फंस जाओगे, आप कर निरूपण नहीं कर सकते उसको, अलग से निवृत्ति का निरूपण नहीं हो सकता, ये लाघव। इसलिए तथा क्या असंभवित्व दोष तद अवस्था, फिर यदि आप ऐसे मान लिए तो असंभव रूप दोष तद अवस्था हो गया, कि प्राग भाव का निवृत्ति घट रूप यदि कहोगे तो प्राग भाव के जो लक्षण आपने कह दिया उसमें असंभव दोष ग्रस्त हो गया, कि आपने क्या उत्पत्ति मद अभाव कह दिया, उत्पत्ति मद विद्यमान है यहाँ, उत्पत्ति मद भाव है वही प्राग भाव का निवृत्ति है, अलग नहीं है। ये करें आपके जो विनाशित शब्द से उत्पत्तिमत भावत्तम जो आपने कहा था वो लक्षण असंभव दोस्तों वैसे के वैसे रह गया। अस्तु अप्राग भाव से घटा था नियो निवृत्ति, ठीक है, प्राग भाव से घट से प्राग भाव को अलग निवृत्ति को अलग ही मान लीजिए तो भी तुष्य से अस्तुवा से प्रध्वंस व्याप्ति, फिर प्रध्वंस व्याप्ति हो जाएगा, क्यों तस्यापि विनाशिता तो भी तो विनाशी है, कहते हम विनाशी नहीं मानते उसको, एक बार ध्वंस हो गया ध्वंस का ध्वंस नहीं मानते, कहते न च ध्वस्तस्य उन्मज्जनापत्ति, यदि कहोगे ध्वंस का विनाश हो जाएगा ध्वस्त का पुनर्जन्म हो जाएगा, घट ध्वंस हुआ ध्वंस का ध्वंस हो गया तो क्या हो जाएगा, घट वापस आना चाहिए, ये आपत्ति हम नहीं दे सकते। प्रध्वंस देव तत्त प्रध्वंस मालाया प्रध्वस्त भाव विरोधित्वात्, क्योंकि जो है ये प्रध्वंस का भी प्रध्वंस उसका भी प्रध्वंस उसका प्रध्वंस मानते हैं लोग, प्रध्वंस की माला स्वीकार करो तो भी आपत्ति नहीं होगा, क्योंकि तत्व जो प्रध्वंस होता है वो प्रध्वस्त भाव का विरोधी होता है, ध्वंस भाव कौन है घट, उसे विरोधी है घट ध्वंस उसका ध्वंस उसका ध्वंस उसका ध्वंस जितने भी ध्वंस है ये सभी ध्वंस क्या है घट का विरोधी है, इसे घट उत्पन्न कहां से हो जाएगा दोबारा, ध्वंस का ध्वंस करने से शब्द का प्रयोग लगता है, घट का ध्वंस हो गया मैंने घट आना चाहिए, ऐसा नहीं है कि ध्वंस शब्द ही घट का विरोधी है, भाव विरोधी है वो, नष्ट होने का मतलब क्या न रहना, इसे न होना और न रहना ये परस्पर विरोधी है, इसे ध्वंस का ध्वंस का ध्वंस कहते भी रहो तो भी वो भाव विरोधी होने के नाते है, उसे भाव की उपस्थिति नहीं होगी, तब पूर्व पक्ष कहता है तवापि कथम अन्यता प्राग भावन मज्जन प्रसंग परिहार, फिर आपके मत में भी जो है जो हम पर दोष देते आपने कहा था प्राग भाव का पुनर्मज्जन हो जाएगा, हमने कहा प्राग भाव का ध्वंस होगा जब तो उसका भी ध्वंस होता ही नहीं, प्राग भाव का ध्वंस होना अलग है वो घट अलग है, इन घट का ध्वंस होने से प्राग भाव का ध्वंस का ध्वंस हो गया प्राग भाव लौटना चाहिए वापस, ये आपने कैसे हम पर आपत्ति दी है, कहते फिर भी आपके मत वही प्रागो भाव उन्मज्जन प्रसंग परिहार कथम अन्यथा यह पुनरुक्ता लीलावधिकारिणा भी, इसे लीलावधिकार ने भी कहा न्यायभूषणकार असंभवत विरुद्ध धर्म संसर्ग प्रतिविज्ञान बाह्य तत्वात् कल्पना लाघवाच्च न प्राग भाव प्रध्वंस उत्पत्ति विनाशो इति, स्पष्ट कर दिया प्राग भाव की उत्पत्ति नहीं होती प्रध्वंस भाव का विनाश भी नहीं होता, प्राग भाव उत्पन्न नहीं होता दोबारा, अनादिकाल से था नष्ट हो गया बस कभी उत्पत्ति नहीं मानी गई उसके प्राग भाव की, और प्रध्वंस भाव उत्पन्न जरूर होता है लेकिन कभी उसका दोबारा ध्वंस नहीं होता, ध्वंस का ध्वंस नहीं होता, ओके असंभवद विरुद्ध धर्म संसर्ग प्रतिविज्ञान बाधित असंभव और विरुद्ध धर्म संसर्ग का प्रतिविज्ञान के वजह से बाधित हो गया, कल्पना लाघवाच्च कल्पना लाघव भी है, इसे प्राग भाव और प्रध्वंस के क्रमशः उत्पत्ति विनाश नहीं हो सकती थी, तद असत सिद्धांत ये नहीं कह सकते कपाल चूर्ण रज प्रवृत्ति नाम संभवत असंभवत कहाँ से बोल दिया, विनाश होने से क्या होता है कपाल क्या वो भी इसकी धूल होगा, धूल का कण परमाणु तक जा सकता है ना विनाश है, और विरुद्ध धर्म संसर्ग नाम भिन्नतीय प्रत्यक्ष, और विरुद्ध धर्म संसर्ग होकर के भिन्न रूपेण प्रत्यक्ष हो रहा है, घट का ध्वंस हुआ आपको कपाल दिखा विरुद्ध धर्म में घटत और कपाल दोनों ही तो खंडन हो गया आपका, इसे बाद नहीं हो सकता कहने का तात्पर्य है प्रत्यक्षत्वात् तो दुक्त प्रतिविज्ञा असिद्ध है, आपकी तरफ प्रतिविज्ञा कहो प्रतिविज्ञा ही असिद्ध है, प्रत्यक्ष सिद्धे च भेदे कल्पना लाघव न्याय से अनवसर दुष्टत्वात्
और प्रत्यक्ष भेद में कल्पनाकृत लाघव गौरवादिक आपत्ति भी आप दे नहीं सकते। तथा च पौराणिकम उदाहरणम, इसे पौराणिक उदाहरण भी मही घटतंग घटत कपालिका कपालिका चूर्ण रजस्त तोणु इति, मिट्टी थी मिट्टी घड़ा हो गया, घड़ा नष्ट हुआ तो कपाल बन गया, कपाल नष्ट तो चूर्ण हो गया, चूर्ण को नष्ट कर दिया तो वो अणु हो गया, अणु को नष्ट कर तो परमाणु हो जाएगा, ऐसा वो कहते हैं। अलग अलग चीज हो रही है, भिन्न भिन्न धर्म वाले चीजें पैदा हो रहे हैं, कैसे कहते हो नष्ट नहीं होगा, प्रागव भी उत्पन्न नहीं होगा, अरे एक नष्ट दूसरा प्रागव पैदा हो गया। उत्पत्तिमान अभाव ध्वंस इत्यपि अलक्षणम, उत्पत्तिमान अभाव का नाम ध्वंस है, ये जो आपने कहा ये भी लक्षण नहीं हो सकता। पिंडादि घट प्राग भावत्व अस्मदादि अस्मद अभिमत से उत्पत्ति मत्वात तद अतिरिक्त अनुपलब्ध है। ये पिंडादि क्या है? घट प्राग भावत्व, पिंड क्या है? घट का प्राग भाव है, और पिंड भाव है क्या? भाव रूप है। इसे आपके घट प्राग भाव भाव रूप ही हो गया, भले शब्द आप अभाव प्रयोग कर रहे हो लेकिन भाव रूप ही तो है, अभाव कहाँ आ गया? पिंडादि घट प्राग भावत्व अस्मद अभिमत से हमारे द्वारा जो स्वीकृत उत्पत्ति मत्वात उत्पत्ति मद ही हो गया प्राग भाव तुम्हारा। ये पिंड क्या है? उत्पत्ति मान है, वो आपके घट प्राग भाव है। इसे घट प्राग भाव क्या हो गया? उत्पत्ति मान ही हुआ, उत्पत्ति अभाव कहाँ हुआ? इसलिए आपने जो उत्पत्ति मान अभाव ध्वंस जो कहा यह लक्षण नहीं घटेगा। तद अतिरिक्त से अनुपलब्ध है, उसे अलग कोई ध्वंस नाम की जो उपलब्धि नहीं होता, अभाव उपलब्ध नहीं होता। एवं अभाव मात्र लक्षण खंडित्वा तद विशेष लक्षण अपनी खंडयति प्रध्वंस अतिव्याप्ति परिहाराय विनाशी ग्रहणम, प्रध्वंस में अतिव्याप्ति वारण करने के लिए विनाशी कह दिया, तो उनके मत में प्रध्वंस क्या है? विनाश नहीं होता। घटादि निवर्तनाय अभाव ग्रहण, और घटादि अतिव्याप्ति निवर्तन करने के लिए कि घटादि क्या है? विनाशी है, या विनाशी अभाव, उस पर विचार चल रहा है। विलक्षण केवल अभाव कहते तब कहते केवल अभाव तो प्रध्वंस में अतिव्याप्ति हो जाएगा, कोई भी अभाव लूंगा ना, अभावत्तम प्राग अभाव से लक्षण हम, तो अभाव तो चला प्रध्वंस में भी अत्यंत अभाव में भी अन्योन्य भाव में भी, उनमें अत्यंत निर्माण करने के लिए कहना पड़ा विनाशी, इन विनाशी तो इतना लक्षण कर दो घटादि में व्याप्त हो जाएगा, इसलिए अभाव शब्द देना पड़ा। ये कर घटादि निवर्तन आय अभाव ग्रहणम, अत्र किम विनाशी शब्द देना विनष्टो घट इत्यादिशु इव उत्पत्ति मद अभावत्व विद्यते किम वा अभावत्वम, कहते भाई देखो विनष्टो घट इत्यादि में जैसा शिव उत्पत्तिमद अभाव, उत्पत्तिमद का उत्पत्तिमद कौन था? उत्पत्ति भाव कौन है? घट ध्वंस उत्पत्तिमद उसको लोगे तो उत्पत्ति अभावत्व विद्यते किम वा अभावत्व मात्र को लेना चाहते हो, चर्मे प्रध्वंसादि में अतिव्याप्ति, अभाव तो सामान्य लोगे सभी में अतिव्याप्ति हो जाएगा अन्य अभावों में, तस्यापि अभाव प्रतियोगिता तो भी अभाव के प्रतियोगी है। आद्यस्त असंभवीत पहला पक्ष लोगे असंभव दोष है, क्यों? विनाशी शब्द न प्राग अभाव से निवृत्ति इति अन्वय, कि प्राग अभाव की निवृत्ति नाम का वो क्या मानना चाहता है? घट से अलग मानना चाहता है पूर्व पक्ष, प्राग अभाव का नष्ट होने से घट पैदा हुआ, इसे प्राग अभाव का नाश घट रूप नहीं है, किंतु प्राग अभाव का निवृत्ति नाम से अलग कहूंगा उसको, प्राग का निवृत्ति अलग है, निवृत्ति होने से यह घट पैदा हो ऐसा मानता है। निवृत्ति रीति अन्वय अत्र किम प्रत्यक्षात घट व्यतिरेक अभाव निवृत्ति स्वीकृत है, क्या प्रत्यक्ष प्रमाण के आधार पर आप घटा जो है अभाव निवृत्ति को घट से अलग स्वीकार कर रहे हो, अथवा उपपत्ति बलाद्वा युक्ति के कोई बल तुम्हारे पास हो? ना देत्या अनुपलम्भा कहते, सीधे अनुपलम्भा कहते, अन्यत्व न निवृत्ति उपलब्धि नहीं होता। तदोक्ता तात्पर्य टीकायाम आचार्य वाचस्पति ना, तात्पर्य टीका में आचार्य वाचस्पति ने भी कहा है नो खलु अभावा भावो नाम कश्चित अन्यो भावात, अभाव का भाव कहने मात्र से ही वह भाव से अन्य कुछ नहीं रह जाता, अभाव का भाव मैंने भाव ही हो जाएगा वो, ना भी भावा भाव उन भाव भावा भावो अन्योन्य भावात, ना भी भाव अभाव, भाव का भाव कहे तो भी नहीं चलेगा, वो तो अन्योन्य भाव कोटि में चला जाएगा, भाव का भाव क्या है? अन्य अन्य भाव कोटि में चला जाएगा। इति भट्टान प्रत्याह अपोह्यमान इति द्वितीय पक्ष मत भाव इति नन इत्यादि किम निवृत्ति प्राग भावे घटोत्पादित है उदा निवृत्त है न तावद अनिवृत्त, तो पूर्व पक्ष अनिवृत्त में प्राग भाव निवृत्त नहीं हुआ घट की उत्पत्ति नहीं होगी,
विरोधिनी सती विरोधी अनुदयात, विरोधी का रहते हुए उसका जो विरोधी है उसका उदय नहीं हो सकता। तस्मात निवृत्तो सति वक्तव्यम, इसे कहना ही होगा प्राग का निवृत्त होने पर ही घट उत्पन्न होता है। तथा च घटोत्पत्ते प्राचीना काचन प्रागभाव निवृत्ति अभाव रूपिणी स्वीकरणीया, इसलिए घटोत्पत्ति से पहले प्रागभाव का निवृत्ति रूपा एक अभाव को आपको स्वीकार करना ही होगा। अतः कथम असंभव लक्षण से लक्षण में असंतोष कहाँ से आ गया? अतः योग यदि यदि अपोह्यमान्य अभावे भाव एव इति यथाश्रुतो अन्वय स्यात् तदा विरोधा, क्योंकि अपोह्यमान अभाव के हटने पर भाव हो जाता है, ऐसा यथाश्रुत अन्वय करोगे महान दोष आ जाएगा, तदा विरोध से न चेव अन्वय, लेकिन ऐसा अन्वय के नहीं करना अभी तो भावो अवशिष्यत एव, ऐसे ले जाओ योग अंत में ले जाओ क्रिया के साथ अन्वय कर दो। तथा च भावोदय मात्र प्रतिपादन परत्वात् न निवृत्ति निराकरण परता, सब भाव का उदय मात्र का प्रतिपादन कर रहे हैं वार्तिककार, निवृत्ति का खंडन नहीं कर रहे हैं, भाव से अलग घट से अलग एक निवृत्ति का खंडन नहीं करते हैं। न भाव अवशेष एव चेत विदिशिता, भाव का अवशेष ही यदि विदिशित है तरी निवृत्ति अवशेषादपि भावावशेष सिद्ध थी, निवृत्ति का अवशेष से भाव का अवशेष सिद्ध हो जाएगा। तद्रूपत्तात् भावस्य, इसे निवृत्ति का अवशेष ही भाव रूप है, उससे भिन्न नहीं है। पृथक अभिधान वैयर्थ्यम, यदि ऐसा है उनका पृथक कथन करना, निवृत्ति नाम से अलग से कथन जो कर रहे हो वो व्यर्थ हो जाएगा। तत्र अन्यथा इत्यादि न अभाव अपनव मात्र भावशेष, अभाव का अपनव मात्र को भावशेष नहीं माना जाएगा। यदि भावाकरण अवशेष हो नाम अभाव अपनव मात्र स्यात् तथा भावावशेष एव स्यात्, यदि भावाकार से अवशेष रह जाए यही अभाव का अपनव कहते हो, फिर तो सीधे क्यों नहीं कहते हो भाव अवशेष ही है, सीधे कह दो। न पुनः प्रागभाव प्रध्वंस अवस्था तो अतिरिक्त कश्चित प्रकार, प्रागभाव और प्रध्वंस अभाव की अवस्था से अलग कोई निवृत्ति नाम की चीज़ को आप स्वीकार नहीं कर सकते। यथा प्रागभाव समय भी प्रध्वंस अपनव रूप घटस्य विद्यमानत्वात्, क्योंकि प्रागभाव के समय में भी प्रध्वंस अपनव रूप घट विद्यमान है प्रागभाव के समय में, और ठीक विपरीत में भी ले लो दोनों भी विद्यमानत्वात्, प्रध्वंस समय च प्रागभाव अपनव रूप घटस्य, प्रागभाव का अपनव रूप जो घट है विद्यमानत्वात् विद्यमान रहता है। ये प्रागभाव के समय में अभी घट का ध्वंस हुआ नहीं ना, क्योंकि प्रागभाव का समय में घट अभी है ही नहीं, आज घट ध्वंस भी नहीं रहा, इसलिए क्या कहना है कि प्रागभाव समय भी प्रध्वंस अपनव रूप जो घट, प्रध्वंस का अपन होने से ही तो कह रहे थे ना प्रध्वंस का भी ध्वंस यदि हो जाता है तो घट आना चाहिए कहते हो ना, ये कैसे हो सकता है? इसलिए यदि विद्यमानत्वात् प्रध्वंस समय चाहे प्रध्वंस समय प्रागभाव का अपनव रूप घट से विद्यमानत्वात् अभाव अपनव रूपो घट सर्वदा अस्ति, अभाव का अपन रूप घट तो सदा रहता है, न उदक आहरण समर्थन घट सिद्धिर्थ्यर्थ, लेकिन उदक आहरण के समर्थ जो घट है वो तो सिद्ध उस दोनों अवस्था में नहीं होता है। अथवा अभाव अपनव मात्र भावस्य, अतः ऐसा भी इसको ले सकते हैं अभाव का अपनव मात्र को भाव कहोगे तो प्रागभाव प्रध्वंस अवस्था एम अपि घट स्यात्, प्रागभाव अवस्था में प्रध्वंस अवस्था में भी घट होना चाहिए, क्योंकि प्रागभाव ही घट है आपने कह दिया। घट स्यात् एकैक निवृत्तेर एकैक अवस्थायाम अपि विद्यमानत्वात्, क्योंकि एक निवृत्त होने पर दूसरा रहता है ना, न प्रागभाव निवृत्त हुआ प्रध्वंस भी रह जाएगा, प्रध्वंस निवृत्त हो गया तो प्रागभाव रह जाएगा, अतः घट रहना चाहिए। ये तेना प्रागभाव सेव निवृत्ति घट इत्यपि निरस्तम, इसे प्रागभाव ही निवृत्ति का निवृत्ति घट है ये भी खंडित होता है। तदेतत् इन सब पूर्व पक्षी बातों को सिद्धांति दूषयति मैवम इत्यादि न तावत् विरोधी निवृत्तो एव विरोधी उदय इति व्याप्ति, कि एक विरोधी का निवृत्ति होने से दूसरे विरोधी का उदय होता है यह कोई व्याप्ति आप नहीं बना सकते। क्यों? निवृत्तिरपि प्रागभाव निवृत्त उत्पत्ति संभवेन निवृत्ति अनवस्था प्रसंगात, प्रागभाव के अनिवृत्ति काल में निवृत्ति की उत्पत्ति नहीं हो सकती, प्रागभाव की अनिवृत्ति काल में निवृत्ति की उत्पत्ति तो है नहीं, इसीलिए निवृत्ति का भी अनवस्था पता निवृत्ति का अनवस्था दोष आ जाएगी। एक प्रागभाव के अनिवृत्ति काल में निवृत्ति नहीं रहा, अर्थात प्रागभाव की निवृत्ति के लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, प्रागभाव का अनिवृत्ति को हटाना पड़ेगा,
क्योंकि प्राग भाव की अनिवृत्ति में निवृत्ति नहीं आ सकती, और आप कह रहे हैं प्राग भाव की निवृत्ति यही घट, वहां अगर घटोत्पत्ति होती है वो निवृत्ति कहाँ से आएगी? जब प्राग भाव के अनिवृत्ति को हटाओगे ना, प्राग भाव के अनिवृत्ति को हटाने का मतलब क्या? प्राग भाव के अनिवृत्ति की निवृत्ति करने पर आपने कहा प्राग भाव की निवृत्ति पैदा होगी, दो निवृत्ति आएगी ना। प्राग भाव के अनिवृत्ति की निवृत्ति करोगे तो प्राग भाव की निवृत्ति आएगी, तब घट पैदा होगा, आपने दो निवृत्तियों के मान। अब हम पूछते हैं उसमें भी प्राग भाव की अनिवृत्ति का जो निवृत्ति है वो घट से अलग है, यानी जैसे प्राग भाव की निवृत्ति को हमने घट रूप का उसको आपने नहीं माना, बल्कि आपने प्राग भाव का अनिवृत्ति ही काल में निवृत्ति नहीं होने से घट भी नहीं होता, जैसे निवृत्ति अलग मानना पड़ेगा घट से। इसको कहने के लिए आपने पहले अनिवृत्ति माना जिससे निवृत्ति नहीं रहता है। अच्छा घाट प्राग भाव की अनिवृत्ति की निवृत्ति करूंगा तब प्राग भाव की निवृत्ति होगी, तो घट पैदा होगा कहोगे तो निवृत्ति के अनावस्था दोष हो जाएगा, निवृत्ति अनावस्था प्रसंग। तस्मात अनिवृत्ति ये वाचा प्राग भाव है विरोधी उदय इति, इसलिए अनिवृत्ति एवच प्राग भाव है, प्राग भाव की निवृत्ति न होने पर ही विरोधी का उदय हो गया ये भी कहना पड़ जाएगी थी वक्तव्यम। तथा तद्वदेव घटोपि उत्पत्ति शक्नोति, घट की उत्पत्ति हो सकती है यदि नेयम उत्पत्ति, यह युक्ति भी आपका नहीं चलता है। प्रत्युत घट रूपयो निवृत्ति कल्पना लाघवाद आश्रेणीय, इसे घट रूपा कोई निवृत्ति मान लेना यह सबसे लाघव हो जाता है। अतः तथा च असंभवितम, और ऐसे यदि मान लिया आपने फिर तो लक्षण का असंभव दोष वैसे का वैसे रह गया। तदुक्तेन इत्यादि ना असंभव उपेक्ष्य अतिव्याप्तिम बाह, फिर भी असंभव दोष देने के बाद कहते उसको नहीं मानता है तो वे अतिव्याप्ति दोष भी दिखा देंगे। तो अस्तु वा इत्यादि से ननु नास्ति प्रध्वंसस्य प्रध्वंस ये अतिव्याप्तिस्य, और पक्षी कहेगा भाई प्रध्वंस का ध्वंस हम नहीं मानते इसे हमारे को अतिव्याप्ति नहीं होगा दोष। प्रध्वंसस्य अपि प्रध्वंसे घट प्राग भाव प्रध्वंस रहित कालस्य घट कालत्वेन घटोन्मोचन प्रसंग, क्योंकि प्रध्वंस का भी प्रध्वंस मानेंगे तो घट प्राग भाव ध्वंस जैसे हो गया, वो घट प्राग भाव के ध्वंस रहित काल में जैसे घट प्राग भाव था वैसे घट प्राग भाव फिर माननी पड़ जाएगी, ये आपत्ति होगी। घट कालत्वेन घटोन्मोचन प्रसंग घटोत्पत्ति होनी चाहिए, इतत्र न च ध्वस्त सीति, तब यथा ही प्रथम ध्वंस घट विरोधी एवं तत् प्रध्वंस माला भी घट विरोधी एव तत्क हेतु हो, कहते ठीक है। तब सिद्धांत ने जवाब दिया आपत्ति नहीं दे सकते कि प्रथम ध्वंस कैसा है घट का विरोधी है, अतः द्वितीय तृतीय जितने भी घट ध्वंस है वो भी घट विरोधी माना जाएगा। तो वो कहते कैसे है, तो कहते उत्तरोत्तर ध्वंसानाम अपनी ध्वंस समान विरोधित्व, कि उत्तरोत्तर जो ध्वंस है वो भी प्रथम ध्वंस के समान घट विरोधी ही होगा। पूर्व पूर्व प्रतियोगी व्यावृत्त स्वध्वंस विरोधित्व, कि पूर्व प्रतियोगी से व्यावृत्त होकर के स्वयं घट ध्वंस का विरोधी हर एक ध्वंस हो जाएगा। इतर तेज नहीं मानोगे तो घट संसर्ग निषेधे घटस निषेध न सियात, घट संसर्ग निषेध करने से घट का निषेध नहीं माना जाएगा, यह आपत्ति आएगी। इति घट नित्यता अनित्यतयो प्रसंगात, तो घट नित्यता का भी अनित्यता आ जाएगी, नित्यता अनित्यो प्रसंगात। तथा नोन्मज्जन आपत्ति भाव, इसे ध्वंस का ध्वंस होने पर घटोन्मज्जन की आपत्ति आप नहीं दे सकते। अतश्च एवमेव अंगीकर्तव्यम इतरता, ऐसा ही आपको स्वीकार करना पड़ेगा, नहीं तो घटध्वंस से घट प्राग उन्मज्जन प्रसंगात, घटध्वंस होने पर घट प्राग भाव दोबारा उत्पन्न होना चाहिए। घटध्वंस से प्राग भाव ध्वंस ध्वंस रूपत्वात, कि घटध्वंस क्या है, घट प्राग प्रागव के ध्वंस का ध्वंस रूप हो जाएगा। घट अनवच्छिन्न काल से घट प्राग भाव व्याप्तत्वात छ, और घट से अनवच्छिन्न जो भी काल होगा वह सब काल घट प्राग भाव से व्याप्त होता है। इस बात को मन में रख करके तब आप ही करके पूर्व पक्षी ने खंडन करने के लिए आरंभ करता है। न च प्राग भाव उन्मज्जनम अस्त्येव इति न वाच्य, प्राग भाव को पुनर्वर्मन हो जाएगा ऐसा कोई भी सिद्धांति नहीं बोल सकते, वेदांति कैसे बोल देगा? एक बार घट नष्ट हो गया तो घट प्राग भाव दोबारा आ गया ऐसा वेदांति भी नहीं बोल सकता है, क्योंकि यदि बोलेगा तो कहेंगे ठीक कपाल के टुकड़े से दोबारा घड़ा भरा बना नहीं सकता। तथा सति घटोत्पत्तिर अवश्यम भावेन उष्ट्र लकुट वृत्तांत आपाता इति भाव, उष्ट्र लकुट वृत्तांत आपाता, जो लघुड़ लघुड़ कर भी कही थी ना पहले, हाँ लघुड़ ही है लकुट बोल दिया,
जो होता है कभी और अभेद कर देते हैं लोग, तो इस तरह से कर लकुट लकुड़ न्याय है अपाता जीति भाव। उक्तंच लीलावती कारिण प्राग भाव निवृत्ति निवृत्त तन उन्मज्जन आपत्ति चिन्ह ध्वंस्य दुर्वृत्ति यदत्र तेने उक्तम जो उनके द्वारा लगने भी बात कही गई एवं सती ध्वंसो भी नश्येत कृतकत्वात् ध्वंस भी नष्ट हो जाएगा कृतक होने से। प्राग भावोपि जायेत प्राग उत्पन्न हो लेगा विनाशत्वादिति प्राग भाव ध्वंस और उत्पत्ति विनाश आशंक्य न असंभवद विरुद्धर्म संसर्ग प्रतिविज्ञान प्रतिपक्षत्वात् इत्यादि से उन्होंने जवाब दिया था। उन्हीं को अनुवाद कर सिद्धांत खंडन करता है तद अनुवृत्ति यत् पुनरित्यादि न अस्ति ही घटोत्पत्ति प्राग ऊर्ध्वंच नासित घट प्राग घटोत्पत्ति से पहले और घट नष्ट होने के बाद में हमारे पास हमेशा ज्ञान रहता है घट नहीं था न भविष्य घट ही थी और घट नहीं आओगे होगा नहीं नास्ति च घट अतः ना घट ही नहीं इस प्रकार के ज्ञान होते हैं। स एव अयम प्राग भाव वही प्राग भाव है स एव अयम प्रध्वंस इसी में प्रध्वंस भी का व्यवहार हो जाता है घट व्युत्पन्न नहीं हुआ है घटो नास्ति ये प्रागव हो गया घटो न भविष्य थी अब टूट गया अब इससे घट आना ही बनने वाला है घट होवेगा ही नहीं ऐसा ये प्रध्वंस भाव होता रहा है अघट नास्ती व ये प्रध्वंस भाव को ही बताता है। इसलिए इन ज्ञान व्यवहार से मालूम होता है प्राग और प्रध्वंस भाव पहले थे और बाद में रहता है तथा चेषा कपाल प्रवृत्ति नाम परस्पर वृद्धा नाम एवं उपलभ्यमानत्वात् ज्वाला प्रतिविज्ञानवद आभास इसे कपाल प्रवृत्ति परस्पर वृद्ध वस्तु ही वहाँ उपलब्ध होता है। घट प्राग भाव में क्या काल में क्या हमको मिला मिट्टी दिखता था या पिंड दिखता था और घट ध्वंस काल हमको क्या दिख रहा है कपाल दिख रहा है तो घट कहाँ दिख रहा है यहाँ दोनों अवस्थाओं में ऊर्ध्व और पूर्व काल में। पूर्व काल में तो मिट्टी या पिंड ऊर्ध्व काल में कपाल दिख रहे हैं भिन्न भिन्न धर्म वाले हैं ये सारी चीजें तो ऐसे तुम्हें कहाँ से दोष आ गया। परस्पर वृद्धा नाम ये उपलब्ध मानवाद ज्वाला प्रतिविज्ञान वद आभास इसलिए आपने जो प्रतिविज्ञा प्रस्तुत किया था वो केवल ज्वालाओं में जैसे प्रतिविज्ञा भ्रम है ऐसे प्रतिभ्रम जो है प्रतिविज्ञा आपका। कपालादि नाम घटाय ध्वंस रूपाणाम नानात्व विष्णुपुराण सम्मतिमपि आह मही घटत्व मही घटत्व प्रतिपदित एवं यावधनु अस्य च उत्तरार्ध दे रहा है जनहि स्वकर्म स्थिमितात्व दृष्टिभिर् आलक्षते ब्रूहि की मत्र वस्तु जनता जो है अपने कर्म से उनकी स्थिमित हो गया है आत्मदृष्टि इसलिए जो है वे लोग यहाँ वस्तु के बारे में शंका करने लग जाते हैं। आलक्षते ब्रूहि की मत्र वस्तु और कहते बताओ यहाँ वस्तु तत्व क्या है इति उत्तरार्ध अयम अर्थ आगमापायितया स्वकर्म स्थिमितात्म दृष्टि भी जनेर विकार जातम आलक्षते विकार को ही देखते हैं अद किमत्र विकार जात वस्तु ब्रूही इस विकार जात ने वास्तविक पदार्थ क्या है ऐसे लोग पूछते हैं। मैंने न किमपि इत्यर्थ ध्वंस लक्षण दूषयति उत्पत्ति मानिति यद तद वक्षति इत्युक्तम तदा पिंडादर्ति तथा च प्राग अभाव व्यक्ति इत्यर्थ